बीएमडब्ल्यू का जिक्र किया, एक ऐसी बीएमडब्ल्यू जो बड़ी जादुई बीएमडब्ल्यू है, उस बीएमडब्ल्यू ने अपनी कीमत से 4-5 गुना ज्यादा जो है वो उसने प्रॉफिट कमाया। सहाफी ने सवाल किया तलाल चौधरी साहब से, तलाल चौधरी साहब के सवाल सुनने के बाद की बॉडी लैंग्वेज जरा वो नोट कीजिएगा, मैं आपको ये फुटेज दिखाता हूं और जो उन्होंने जवाब दिया कितना रेलेवेंट जवाब था वो सुनिएगा। देखिए जी, चीफ जस्टिस ने भी ये सवाल रेज किया है कि एक क्रूज गाड़ी में से 96 लाख रुपया कैसे प्रॉफिट हो गया, इसमें क्या कहेंगे? और दूसरा, आपके मुखालफी हमेशा से ये इल्जाम लगाते हैं कि बड़े बड़े जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो आपकी इम्पैक्ट्स के लिए करते हैं, और अगर उनके रिकॉर्ड वगैरह किसी फॉरम पर तलब किया जाए तो रिकॉर्ड भी नहीं देते हैं और जला दिया जाता है। जितने इल्जाम थे, टैक्स चोरी हुई कोई सबूत नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग हुई कोई सबूत नहीं, करप्शन हुई कोई सबूत नहीं, किसी किस्म की किकबैक ली गई कोई सबूत नहीं। पॉलिटिकल फैमिलीज होती हैं, उन्हें हर चीज़ रिकॉर्ड के ऊपर रखनी होती है। अगर आपने अपने औलाद को कोई गिफ्ट दिया या औलाद ने आपको गिफ्ट दिया, दैट शुड आल्सो बी डॉक्यूमेंटेड। एक बड़ी दिलचस्प बात जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने पॉइंट आउट किया और रेज किया, एक 2006 में बीएमडब्ल्यू मंगवाई गई यूज्ड, जो गिफ्ट स्कीम में मरियम बीबी को मिली, और कहा यह जा रहा है अब कि उस बीएमडब्ल्यू से 1,96,00,000 रुपया प्रॉफिट जो है वो मरियम बीबी को मिला, और जो वैल्यू उसमें शो की गई है वो 35 लाख रुपया थी, और जो प्रॉफिट शो किया गया अब उससे वो 1,96,00,000। तो चीफ जस्टिस साहब ने जो है यही उनसे कहा है कि ये कैसे मुमकिन है कि ये, या तो फिर उनके पास लोगों के पास एक मुर्गी हुआ करती थी, हम सुना करते थे, जो अंडे दिया करती थी सोने के, मेरा ख्याल है इन्होंने बीएमडब्ल्यू रखी है जो सोने के अंडे देती है। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं क्या कहूं दो बातों पे नाजरीन। दो बातें हैं, पहली बात तो यह कि सवाल क्या किया गया, उसका जवाब क्या मिला, क्या आपके पास इसके सबूत हैं उसके? भाई आपसे जो अदालत ने सवाल किया था यही बीएमडब्ल्यू वाला कि कैसे 35 लाख की चीज 1,96,00,000 यानी तकरीबन 2 करोड़ का प्रॉफिट दे सकती है, कुछ सोने के अंडे हैं, कोई हमें भी बताए कोई ऐसी कोई बीएमडब्ल्यू कोई ऐसी गाड़ी है जो घर बैठे बैठे आपको रातों रात आपको इतना प्रॉफिट दे दें।